हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक। फिलहाल बज रहे हैं सुबह के समथिंग 10 बज चुके हैं, और जो कल का ब्लॉग आपने देखा वो एकदम बर्फ में था। पहली बार मैंने स्नो देखी थी, मतलब स्नोफॉल होते हुए देखा था, और उससे पहले स्नो तो देख ली थी। तो फिलहाल मैं आज भी मैं चले गया हूँ दोबारा से बर्फ़ देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में कहा था कि हम कल भी बर्फ़ देखने के लिए जाएंगे, तो आज भी हम चल दिए बर्फ़ देखने के लिए। तो मैं ये ब्लॉग एकदम टॉप से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आज काफ़ी ऊपर आके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए ना, मेरे चारों तरफ वहाँ पे कोहरा भी लगना शुरू हो चुका है। और ये जो मैं ब्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ, ये मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, जिसमें कि कैमरा की जो क्वालिटी है थोड़ा सा लो है, और अपने वहाँ पे कल से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरा दूसरा वाला मोबाइल है जिसमें क्लैरिटी थोड़ी अच्छी है उसमें चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है फ़ोन, स्विच ऑफ पड़ा है। तो अब मैं ये वाला मोबाइल लेके आया हूँ, तो जा रहा हूँ एकदम मस्त से आपको बर्फ बर्फ दिखाते हैं। तो आज मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे साथ दो तीन भाई लोग हैं जो आगे पहुंच चुके हैं, और दिखाते हैं आपको आज का बर्फ। और आप बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक, और चैनल पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ब्लॉग लाता रहूं। तो फ्रेंड्स लोग, फाइनली मैं दोबारा पहुंच चुका हूं घनियाल में। और ये जो अभी लोकेशन है ना, ये घनियाल का प्राइमरी स्कूल है, और इन साइडों में आंगनबाड़ी केंद्र है। और इन साइड में ना कल एकदम मस्त से बर्फ़ गिरी थी, एकदम ऑसम वाली बर्फ़ थी ना वो गिरी थी। बट ये अभी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन उतनी ज़्यादा मेल्ट नहीं है। देखिए इन साइडों में और इन साइडों के ऊपर ऊपर हर जगह एकदम काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है अभी। और ये रे भाई लोग, अपने अपने भाई लोग आ रखे हैं, हर एक बंदा अपना ब्लॉग बना रहा है, अपने मतलब वीडियो शूट कर रहा है। वर्मा साहब कुछ कहोगे? अच्छा कुछ नहीं कहोगे। और रविंद्र भाई बोल बोल। हाय गाइस, आई एम रविंदर, ये मेरा छोटा भाई है, कृपया इसको सपोर्ट करें। और हम आ चुके हैं घनियाल के टॉप स्कूल में, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बर्फ गिरी है, और हम जाएंगे और घूमेंगे और आज करेंगे यो। तो अभी चलते हैं घूमने के लिए, और एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इन्होंने देखिए बर्फ का क्या बना रखा है, एकदम मस्त सा पहाड़ बना रखा है। ये पत्थर नहीं है, बर्फ का एकदम दिखाते हैं आपको एकदम बैक कैमरे से। तो ये है बर्फ का एकदम चट्टान सी बना रखी है कुछ इस तरह का, और ये पत्थर नहीं ये बर्फ है, और यू कैन देख सकते हैं बर्फ है। और ये अभी इसको तोड़ फोड़ रहे हैं ये भाई लोग, बहुत लोगों ने अपने मेहनत से बना रखा और इसको तोड़ फोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स लोग, अभी हम पहुंच गए एकदम बीचों बीच जंगल में, और ये भाई लोग अभी चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। और यहाँ का मौसम कुछ इस तरह का है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और अभी आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये है स्वर्ग को जाने के लिए रास्ता, और ये ऊपर एकदम मस्त सा व्यू है। तो फ्रेंड्स लोग, अभी हम पहुंच चुके हैं ना, बहुत ऊपर पहुंच चुके, जहां पर कल आए थे उससे भी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब यहां पर ना जितने ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा बर्फ मिल रही है, और उतनी ज़्यादा मोटी बर्फ मिल रही है, और यहां पर फिसलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, ज़्यादा ज़्यादा चांस यहाँ पर फिसलने के, फिसल सकता है। और इन पेड़ों में भी देखिए किस तरह के एकदम मस्त से हो रखे हैं। और ये भाई भी आ रहा है, कौन से टाइम आ रहा है तू? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार है, बढ़िया है यार। अच्छा हाँ भाई, काफी मजा आ रहा है हमको यहाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यहीं पर आऊंगा। इतनी ऑसम व्यू है फ्रेंड्स लोग यहाँ का, बर्फ के साथ साथ धुंध भी लग चुकी है, जो कि बादलों का एकदम पूरा पूरा आनंद दिखा रहा है। और चारों तरफ एकदम बर्फ ही बर्फ, खेत देख सकते हैं बर्फ से एकदम बिल्कुल ढक रखे हैं। और ये भाई लोग चले गए आगे, और इनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं, एकदम संभल संभल के चलना है, क्योंकि फिसलने का डर होता है। आम खाने चीज के नहीं अपन वीडियो में ना खाया है। ये जग को चामा
ये तुम्हारा गौ नाम क्या था? तो तल घन्या हो रहा। अच्छा अच्छा, हम पत्थर खो हो। अच्छा, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पोखर। ये घनियाल से ऊपर है, पोखर भी अल्मोड़ा में ही पड़ता है, तो किसी घर पे है। देखिए ये घर वाले तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बंद है। और एक नीचे यहाँ पे अम्मा, ये एक अम्मा मिली है यहाँ पे, और ये रहते हैं एक जना यहाँ पर रहता है। तो ये घर देखिए, यहाँ पे एकदम बर्फ बर्फ गिर के अच्छे से, और ये घर के ऊपर भी एकदम मस्त से बर्फ गिरी है। तो काफी ज्यादा आनंद है यहाँ पर, पूरे मजे ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपना उत्तराखंड है कोई, तो ये कोई शिमला जम्मू हम्मू नहीं है, ये अपना उत्तराखंड है अल्मोड़ा। और हम भी घूम रहे हैं यहाँ पे और भी आनंद ले रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इसी ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत ही नजारे के साथ, बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आपको फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद। तो ये है अभी हम ग्राम पंचायत घन्याल पल्ला, और ये आप देख सकते हैं कूड़ादान बन रखा है यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कूड़ादान, बट फिलहाल इसमें बर्फ है। और यहाँ भी और यहाँ पे जो बर्फ गिर के ना एकदम बहुत ज्यादा गिर की है। ये देखिए इनका घर, ये घर का छत है, और यहाँ पे देखिए बर्फ कितनी ज्यादा है। हम चल रहे हैं अभी पोखर में हैं, ये भी घन्याल में आता है और अल्मोड़ा, तो कुछ इस तरह का है। चारों तरफ एकदम बर्फ ही बर्फ है। और जो ये रोड है आप देख सकते हैं, ये भी नए नए रोड है। इसमें अभी सिर्फ सोलिंग हो रखी है, डामरीकरण अभी इसमें नहीं हो रखा है। और जब हम चल रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह का फील हो रहा है, जिस तरह कि कांच टूट रही हो, कट कट की आवाज आ रही है इसमें। और काफी मजा आ रहा है इन साइड में चलने में। ये देखिए हर तरफ एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो फिलहाल अभी हम हैं यहाँ पर घन्याल पल्ला में, और यह अपने पीछे मंदिर, और इसी के नीचे है जियो मतलब वोडाफोन का टावर, और यहाँ पर चाय है पीता अगर व्यवस्था होती है तो। फिलहाल हमें यहाँ पे, और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश चल रही है, स्टार्ट हो रही है। अगर बारिश ज़्यादा होती है फिर बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी शायद। चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो यह है घन्याल पल्ला, बोले तो पोखर, और इन साइड में एकदम बहुत ज्यादा बर्फ गिर के लगभग 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगी ना, अप्रोक्स 6 से कम 6.5 के आसपास है। हाँ इतने हो गए। तो दुकान में बैठे चलते हैं। और ये रहा यहाँ पे वीआई का टावर, अभी लाइट नहीं है तो यहाँ पर जनरेटर चल रखा है, जिसकी वजह से फिर टावर अपने वर्किंग पे है और नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स लोग ये देखिए, ये है एक घर जैसा, और इसमें टीन का कुछ प्लेट डाल रखी है इसमें, और ये देखिए किस तरह का और का यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से जम रही है बर्फ, और बूंद बूंद में गिर रही है नीचे, जैसे आप देख रहे हैं। देखिए तो मित्रों यहाँ से आ रहा है एकदम बर्फ उड़ के आ रही है, और ये भाई लोग, और भाई आप बता दो कहाँ से आ रखा है? सुरना से। तुम्हारे वहाँ पे भी गिर के बर्फ? हाँ। गिर के फिर तुम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्यों आए तुम देखने के लिए? यहाँ जाके गिरी है। इधर को देखना आप, बोल गिरी के देख। और ये देखिए फ्रेंड्स लोग, अभी एकदम मस्त से उड़ के आ रही है, सुनो काफी अच्छा। और इन्हीं सब के बीच में टेम्परेचर यहाँ पे 6 डिग्री, बट ये जो 6 डिग्री दिखा रहा है और लाइक 5 डिग्री, बट ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्नो होना है ना, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना काफ़ी ज़्यादा लो है, मतलब शायद मेरे ख्याल से 1 या फिर माइनस में होगा। और जो मोबाइल का टेम्परेचर है तो काफ़ी ज़्यादा बेकार दिखा रहा है, माइनस में होगा यार, तो मतलब 5-6 डिग्री थोड़ा रहेगा, 5-6 डिग्री बहुत कम होता है भाई। पर फिर भी देख भाई, देख बर्फ देख किस तरह आ रही है उड़ के, बर्फ उड़ रही है, तो बर्फ तो यार उड़ रही है ना, अभी दिख रही है उड़ते हुए, बर्फ जम जाएगी इनकी, बहुत कम हो जाएगी ना। और
फाइनली फ्रेंड्स लोग हम अपने नियर डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। हमें जहां जाना था ये रहा ऊपर एक टेंपल है और यहां कुछ इस तरह का है, काफी ज्यादा ऑसम व्यू है यहां का। और ये अपना डेस्टिनेशन कुछ इस तरह का, चलते हैं ऊपर को। तो फ्रेंड्स लोग अभी हम एकदम कुल्लू मनाली में, दादा बोल रहे हिमालया में हम इस तरह का है यहाँ पे कुछ इस तरह का। और आपको सिटी सिटी कहीं नहीं बजा, आप सिटी यहाँ बजा सकते हो कुछ इस तरह का। और कुछ यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है और चलते हैं ऊपर को। और ये देखिए बर्फ ही बर्फ, एकदम काफी ज्यादा बर्फ ही बर्फ है कुछ इस तरह के दिन। और अपना डेस्टिनेशन ही आ चुका है, ये है असुर का मंदिर जो कि अल्मोड़ा ही उत्तराखंड में पड़ता है और कुछ इस तरह। अभी देखते हैं मंदिर में जाने का क्या रहता है सीन। और ये देखिए ये रही दीवार यहाँ से और इतनी ऊपर बर्फ गिर गई है यहाँ तक। और ये रहा इसके अंदर और ये है अपना असुर का मंदिर। इतनी ज्यादा मोटी यहाँ पे बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। तो ये है असुर का मंदिर जो कि काफी अभी बर्फ जो काफी ज्यादा ढक चुका है और अभी भी बर्फ एकदम झमाझम झमाझम गिरते जा रही है। मैं तब से बस यही बता रहा हूँ बर्फ गिर रही है, ये है वो है और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। माँ भगवती मंदिर सौंदर्यकरण का कार्य अगस्त 2021 में यहाँ पर पूरा हुआ है और यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है तो जय हो माँ भगवती। और यह है उसका एंट्री गेट और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बहुत ही सुंदर नजारा कुछ इस तरह का। तो अभी हमने जूते उते पहन रखे हैं जिस वजह से हम यहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे और अभी हम बाहर ही हैं, बाउंड्री पर ही हैं बाहर। तो किस कुछ इस तरह का है अंदर का व्यू। और ये देखिए ये है एकदम नीचे को पूरा जंगल ही जंगल, देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो काफी ज्यादा ही मजेदार यहाँ पे व्यू है फिलहाल तो, और ऑसम है यार भाई, बहुत मजा आ गया। हाँ चलो।